पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। समाधान समूह स्वावलंबी भारत अभियान के सहयोग से स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में नई दिल्ली में भारतीय उद्यमिता उत्सव 2024 का नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशवानंद गिरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के नए भारत की संकल्पना को साकार करने में आज के उद्यमशील युवाओं की भूमिका अहम होने वाली है। देखते हैं ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना के क्रम में समाधान समूह और स्वावलंबी भारत अभियान के सहयोग से स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में भारतीय उद्यमिता उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा, परमार्थ सेवा के लिए लिया गया संकल्प ही सफलता का मूल मंत्र है। संकल्प बहुत बड़ी चीज है, संकल्प से सिद्धि होती है, उसी में समाधान है, उसी में पूर्णता है। और वही मुझे लगता है कि सारी सफलताएं, जीवन की श्रेष्ठताएं, दिव्यताएं वही समाहित है। वैदिक मंत्र है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। कार्यक्रम में मौजूद स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर सुंदरम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले उद्यमियों के प्रोत्साहन का अभियान हमने कोरोना काल में शुरू किया था। कार्यक्रम के शिल्पकार और समाधान ग्रुप के अध्यक्ष सीए मुकेश शुक्ला ने कहा कि 1999 में सामाजिक सरोकार से युक्त सेवा की शुरुआत की गई थी और 2016 से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हम समर्पित हैं। समारोह के दौरान भारत एट 2047 पुस्तक का विमोचन भी किया गया। मीडिया से बात करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक सतीश कुमार ने कहा, यह पुस्तक 5 प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है। उत्सव के दौरान आविष्कार ग्रुप के संस्थापक विनीत राय ने कहा कि आज के युवा 2047 के भारत के कर्णधार हैं, इसलिए इन्हें उद्यमशील बनाने की जरूरत है। उद्यमिता उत्सव की जूरी टीम ने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह को कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया। कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने इस पुरस्कार के लिए राजस्थान के नवाचारी किसानों खेमाराम चौधरी और दिनेश निठारवाल को पुरस्कार के लिए नामित कर दिल्ली भेजा और अवार्डी किसानों को बधाई भी दी। प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर हमारे दो बहुत ही प्रगतिशील जो किसान हैं, जो संरक्षित खेती करते हैं, बस्सी झागड़ा जोबनेर के पास जो गांव है वहां से, और वो संरक्षित खेती में इस तरीके का काम करने वाले पहले किसान हैं। और आज बस्सी झागड़ा संरक्षित खेती का विषम परिस्थितियों में एक बहुत ही सफलतम मॉडल है संरक्षित खेती का, इसकी चर्चा हम अक्सर करते हैं। और हमारा प्रयास है कि लगातार हम ऐसे किसानों की मदद, तकनीकी रूप से मदद करें, जैसे कि हमने इन लोगों की मदद की है, और लगातार हम इनसे जुड़े रहते हैं और हर प्रकार की जो भी तकनीकी जानकारी है वो इन किसानों तक करते रहते हैं। और इनको अलग अलग जो भी जितने भी कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं उनमें हम इनका पार्टिसिपेशन कराते हैं, भागीदारी कराते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज उद्यमिता उत्सव 2024 के दौरान एग्री ग्लो फार्मर जो अवार्ड है वो हमारे जो दो प्रगतिशील किसान हैं श्री खेमाराम जी चौधरी और श्री दिनेश निठारवाल, उनको आज प्रगति मैदान में दिए गए हैं इस उत्सव के दौरान। और विश्वविद्यालय जो हैं निरंतरता से ऐसे किसानों की भविष्य में भी मदद करता रहेगा। भारतीय उद्यमिता उत्सव 2024 में कृषि और अन्य क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू कर उद्यमी बने अवार्डी प्रतिभागियों ने भी अपने विचार रखे। जो पुरस्कार मिला उसके लिए मैं देश के सभी किसानों को कहूंगा कि वो भी कोई अच्छा काम करे और देश के लिए नाम रोशन करे, तो हर किसान को ये पुरस्कार मिले। पुरस्कार मिला है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस प्रोत्साहन से, पुरस्कार से आने वाली पीढ़ी और आने वाले साथी भी ये सोचेंगे कि अपन भी अच्छा करें, तो
तो अपन को भी पुरस्कार मिले और आगे बढ़े। समारोह के दौरान उद्यमिता कंसल्टेंसी के लिए बिज प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में दो सत्र रखे गए थे, जिनमें पहले सत्र में उद्यमिता की नींव में मुख्य रूप से उद्यम की स्थापना पर फोकस किया गया, जिसमें कृषि, फूड प्रोसेसिंग, सर्विसेज, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा हुई। वहीं दूसरे सत्र में उद्यमिता का भविष्य और स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, महिला उद्यमी, सामाजिक उद्यम और शिक्षा पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से देश में न केवल कौशल उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि स्टैंडअप और स्टार्टअप इंडिया के जरिए नए नए युवाओं को इस क्षेत्र में आगे आने के लिए अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी नई दिल्ली में उद्यमिता उत्सव में न केवल देश भर से आए प्रगतिशील युवाओं को पुरस्कार दिया गया, बल्कि उनके कार्य को प्रोत्साहन देकर अन्य युवाओं को भी इस कार्य से जोड़कर राष्ट्र को उद्यमशील बनाने के लिए एक संकल्प लिया गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन शारदा प्रसाद के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।